टू अमेजिंग गिफ्ट्स जो कि आईसीआई एवरी सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को देने वाला है. सो जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है वो दो अमेजिंग गिफ्ट्स. सो दोस्तों, अब आपकी एग्जाम्स बस खत्म होने वाले हैं एंड उसके बाद आपकी फुल टू प्लानिंग होगी कि मुझे कुछ नई हॉबीज सीखना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, मुझे यहाँ पर ट्रिप पर जाना है, मुझे ये हॉबी परस्यू करना है, मुझे बुक रीडिंग करना है और बहुत सारे आपके अलग 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 प्लान्स बन चुके होंगे कि आप एग्जाम्स के बाद क्या करने वाले हैं. और ऐसे ही भी चाहता है कि आपका जो एग्जाम के बाद का टाइम फेज है वो बहुत अच्छे से जाए, वो कुछ प्रोडक्टिव आपको करा कर दे. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम लोग प्लान्स तो बहुत सारे बना लेते हैं बट एग्जाम्स के बाद सिर्फ हम लोग प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं और लेजी होते जाते हैं. सो ऐसे ये सब चीजें आपसे नहीं चाहता है. ऐसे ही चाहता है कि हमारे बच्चे एकदम एनर्जेटिक बने, कुछ नया सीखे, कुछ नया चीज को अपने अंदर इनकल्केट करे. इसीलिए ये दो गिफ्ट आईसीआई सभी सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को देने वाले हैं जो कि अपना अटेम्प्ट पहली बार देने वाले हैं या जिन्होंने अभी तक आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं की है. सो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपना अटेम्प्ट पहली बार दिया है या फिर जिन्होंने आर्टिकलशिप अभी तक ज्वाइन नहीं करी, ये गिफ्ट उनके लिए होने वाले हैं. सो ये गिफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं क्योंकि ये गिफ्ट आपको यादगार बना देंगे. आपके जीवन के वो अमेजिंग मोमेंट्स, अमेजिंग पल, मेमोरेबल डेज इस गिफ्ट से आपको मिलने वाले हैं. एंड आप या आप क्या एवरी सी ए स्टूडेंट हमेशा इन दिनों को अपनी लाइफ में वापस जीना चाहता है, इन दिनों से वो जो मेमोरीज गेन करता है वो जब भी सोचता है मजा आ जाता है उसे. सो ये क्या अमेजिंग गिफ्ट्स उन्होंने, जानते हैं इस वीडियो में. टू गिफ्ट्स क्या है. सबसे पहला है आईटीटी ट्रेनिंग, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, एंड सेकेंड इज ओसी ट्रेनिंग यानी ओरिएंटेशन कोर्स. तो सबसे पहले जानते हैं आईटीटी ट्रेनिंग में होता क्या है. सो आईटीटी बेसिकली 15 डेज की ट्रेनिंग होती है एंड इस 15 डेज में 7 डेज आपको एक्सेल सिखाया जाता है. एक्सेल में सारे फॉर्मूलाज और बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाई जाती है जिससे कि आप एक्सेल को मास्टर कर सकें. फिर उसके बाद 2-3 दिन आपको एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर वर्क कराया जाता है, उसे सिखाया जाता है. एंड फिर रिमेनिंग डे हमें टैली सिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा काम आती है जब हम लोग ऑडिट एंड अदर चीजें करते हैं अपनी आर्टिकलशिप के टाइम. सो ये सारी चीजें जो है आर्टिकलशिप को मद्देनजर रखते हुए सिखाया जाता है ताकि आप बहुत अच्छे से अपना टेक्निकल नॉलेज गेन कर सकें. और स्कूल्स में भले हम लोगों ने सीखी होती है बट यहाँ पर सिखाने का तरीका अलग होता है. और ये जो होता है इसको आप सीरियसली लीजिएगा क्योंकि लास्ट के 15 डेज जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको एक असाइनमेंट भी जो है बनाकर आईसीआई को देना पड़ता है और उसके बेसिस पर ही आपका पास और फेल होना डिसाइड होता है. तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से सीरियसली करिएगा. एंड आईटीटी ट्रेनिंग थोड़ी सी बोरिंग होती है एंड थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है. सो आप इसे दोनों मोड में कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट आई वुड सजेस्ट कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है. सो अब सबसे ज्यादा मेमोरेबल, सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट, दैट इज ओसी ट्रेनिंग. ओसी का जो ओरिएंटेशन कोर्स होता है दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग. जिस तरह से वो प्लान किया गया है आईसीए के द्वारा बहुत सुपर है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है. सबसे पहले आपको डिबेट कराते हैं, आपको ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराते हैं, ऑरा बिल्डिंग सिखाते हैं, कैसे आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, टीम वर्क कैसे कर सकते हो, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हो, अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और इसके साथ साथ बहुत सारी अमेजिंग एक्टिविटीज होती है जैसे कि गेम्स हो गया, स्किट्स हो गए और बहुत सारे गेम्स जिससे कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, खुलते हैं. अभी जब आपको ऐसा लगता हो कि मैं अगर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूं या फिर मैं लोगों से कम इन्वॉल्व हो पाता हूं, सो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करना है, उनसे सीखना है. क्योंकि यहां पर जो आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, यहां पर आपको प्रैक्टिकली कैसे अपने आप को लोगों से कन्विंस करना है, बातें करना है, ये सब चीजें सीखने को मिलेगी और ये आगे जाके लाइफ में बहुत काम आता है. सो दिस इज द अमेजिंग थिंग जो कि आईसीए ने प्लान कर रखी है. एंड इसको कैसे करना है उसकी और भी अमेजिंग टिप्स मैं आपके साथ आगे शेयर करता रहूंगा मेरी वीडियोज में. और ये भी याद रखिएगा कि मेरी जो ओसी ट्रेनिंग है उसमें मैंने बहुत मस्ती करी थी, उसमें बहुत अमेजिंग एक स्किट हुई थी जिसमें मैं जो है डेमन बना था, राक्षस बना था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो क्लिपिंग्स. एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीजें हुई थी. सो ये सब चीजें, ये सारे डेज और ये सारी मेमोरीज आप इस वंडरफुल 15 डेज के ओसी में जीने वाले हैं, उसे अपने आप को
ग्रूम करने वाले हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं, सो उसी ट्रेनिंग आपको जरूर करना है। सो अभी मैं एक सजेशन ये दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ओसी और आईटी की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर लें, क्योंकि आफ्टर एग्जाम्स के होता है टाइम कम होता है, बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करते हैं तो फिर हमको बैचेस नहीं मिलती। ओसी तो हमेशा आपको फिजिकली करनी है, बट इन माई केस क्या हुआ था कि मैंने ओसी ऑनलाइन की थी, एंड ऑनलाइन के केस में मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स जुड़े थे वो इतने अमेजिंग थे। आई हैव कनेक्शन फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल जो कि बैंगलोर से है, रायपुर से है, अलग अलग प्लेसेस से बहुत सारे बच्चे आए थे, एंड वहाँ पे जो ऑनलाइन भी हम लोगों ने सीखा वो वॉज वेरी अमेजिंग। सो ये सब चीजें जो है आप ओसी में एंजॉय करने वाले हैं। और अब जानते हैं कि भैया इतना मजा जब आईसीए दे रही है तो कुछ कैश भी लेगा, वो गिफ्ट से फ्री में नहीं देता है। सो क्या फीस होने वाली? सो फीस आईसीए की है फॉर ओसी ट्रेनिंग इज 5,000 एंड फॉर आईटी ट्रेनिंग 4,500। सो ये फीस जो है आईसीए लेता है, एंड इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे मैं लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को समअप करते हैं, एंड आप किसी भी सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट से पूछोगे कि आपकी लाइफ का वो बेस्ट अगर डेज बताना चाहोगे तो वो बताएंगे कि रिजल्ट से भी ज्यादा मजा जो है ना वो ओसी ट्रेनिंग में आता है। सो ये जरूर ज्वाइन कीजिए एंड आपको बहुत मजा आएगा, एंड इस कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।